ओम शांति। अभी हम सभी ने विष्णुपुरी से फाउंटेन प्लाजा तक बहुत सुंदर और गरिमामय प्रोसेशन किया और चारों ओर युवा शक्ति के प्रकंपन फैलाए। ज्ञान सरोवर का ये सुंदर परिसर युवा शक्ति के आगमन से प्रफुल्लित हो गया है, इसलिए प्रकृति ने भी अपना आशीर्वाद देने के लिए वर्षा को भेजा था। तो आज के इस पावन पुनीत अवसर पर ज्ञान सरोवर के सुंदर प्रांगण में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस यूथ मेडिटेशन यूथ फेस्टिवल और मेडिटेशन रिट्रीट के पावन अवसर पर पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से आए हुए आप सभी युवा भाई बहनों का मैं दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। प्रभु के घर में आप पधारे, आपका ही परिवार है। प्रभु के घर में आप पधारे, आपका ही परिवार है। वरदानों की इस पावन भूमि पर आप सभी का स्वागत बारंबार है, सभी का स्वागत बारंबार है। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी अपना स्वागत करेंगे। अभी मैं परमात्मा की अनुमति से और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा शिव स्वरूपा एक तपस साधिका परमादरणीय राजयोगिनी चंद्रिका दीदी की अनुमति से आज का कार्यक्रम शुरू करना चाहूँगी। अभी हम सभी एक मिनट परमात्मा स्मृति में बैठेंगे और बहुत सुंदर दिव्य गीत बजेगा जिसमें बहुत सुंदर संदेश निहित है। इस गीत को हम सभी आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। ओम शांति। अभी कार्यक्रम की शुरुआत का आगाज हमने किया है। अभी हम सभी के बीच स्वागत की एक श्रृंखला लेकर आ रही हैं डॉक्टर दामिनी बहन अपने स्वागत गीत के साथ। आप एक ऐसी दिव्य गायिका हैं जिन्होंने प्रभु को अपना मीत बनाया है और प्रभु की प्रीत का गीत गाया है। आदरणीय डॉक्टर दामिनी, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम आपका स्वागत करते हैं। नील है अंबर, खूबसूरत सितारे, सज गई ज्ञान सरोवर की ये महफिल और बदल गए नज़ारे, क्योंकि मध्य आज हमारे इतने सारे युवा जो पधारे, आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्वागत और सत्कार का मौसम आया है, ज्ञान सरोवर में हंसों का ये दल जो आया है। स्वर्णिम युग का निर्माण तुम्हीं से होने वाला है, शांति दूत बन युवा अब चमकने वाला है। इस विश्व का इतिहास बदलने वाला है, इस विश्व का इतिहास बदलने वाला है। आएगा स्वर्णिम सवेरा, हर मानव मुस्काएगा, युवाओं के परिवर्तन से स्वर्ग तरा पर आएगा। हो आएगा स्वर्णिम सवेरा, हर मानव मुस्काएगा, युवाओं के परिवर्तन से स्वर्ग तरा पर आएगा। हो तेरे भाने अब सर्व का भला होने वाला है, शांति दूत बन युवा अब चमकने वाला है। इस विश्व का इतिहास बदलने वाला है, इस विश्व का इतिहास बदलने वाला है।
भारती उतारती स्वागत में माँ भारती। हर नजर निहारती युवा तुम्हें पुकारती, आरती उतारती स्वागत में माँ भारती। हो सबकी उम्मीदों को युवा अब पूरी करने वाला है, खुद खुदा भी अब तेरा साथी बन के चलने वाला है। इस विश्व का इतिहास बदलने वाला है, इस विश्व का इतिहास बदलने वाला है। शांति दूत बन युवा चमकने वाला है, इस विश्व का इतिहास बदलने वाला है, इस विश्व का इतिहास बदलने वाला है। ओम शांति। ये मधुबन एक जन्नत का द्वार है, ये मधुबन एक जन्नत का द्वार है, यहाँ पर होता सभी का स्वागत आठों पहर है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर दामिनी का। आप बाल्यकाल से ईश्वरीय ज्ञान में हैं, एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और आपने हम सभी का स्वागत किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं के विषय में बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है, अभी हम सभी कुछ देर के लिए सेल्फ एनालिसिस करेंगे कि क्या हम एक सफल और सशक्त युवा हैं। किसी ने कहा है, युवा वो जिसके तन में जोश हो, मन में होश हो और बुद्धि में खोज हो, वही सशक्त युवा है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को बहुत सुंदर रूप से परिभाषित किया है। उन्होंने कहा, युवा वो जो प्रेरक इतिहास रचता हो, युवा वो जो काल की चाल को बदल देता है, युवा वो जो समस्याओं का समाधान निकालना जानता है, ना कि खुद समस्याओं में घिरा रहता है। और पिकासो ने तो बड़ी स्पष्टता से कहा, यूथ हैज नो एज। इसी संदर्भ में महात्मा गांधी ने तो यह तक भी कह दिया कि मैंने अपने देश में 90 साल के नौजवान भी देखे हैं तो 19 साल के बूढ़े भी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी 19 साल के बूढ़ों की कैटेगरी में तो नहीं होंगे, नहीं है ना? तो अपने लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं पूर्व वर्णित सभी महानुभावों के कथनानुसार उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए आज के उपलब्धियों से संपन्न युवा मंच को, मैं फिर से कहना चाहूँगी, उपलब्धियों से संपन्न युवा मंच को ससम्मान मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। आप आएं और मंच पर अपना दिव्य स्थान ग्रहण करें। सर्वप्रथम मैं सविनय आमंत्रित करती हूँ आदरणीय राजयोगी ब्रह्म कुमार मोहन सिंगल भाई साहब को। आप आएं और मंच पर अपना दिव्य स्थान ग्रहण करें। आप इस सुंदर और मनमोहक ज्ञान सरोवर परिसर के अकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं आदरणीय मोहन सिंगल भाई साहब। साथ ही साथ मैं सस्नेह अनुरोध करती हूँ आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार विवेक भाई को कि आप भी आएं और मंच की शोभा को बढ़ाएं। आदरणीय विवेक भाई, एक बार जोरदार तालियों से हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, युवा बैठे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करूंगी कि वो आएं और मंच की शोभा को दिव्य तिलक और बैजेस देकर सम्मानित करें। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी बहनें, ब्रह्मा कुमारीज की यूथ विंग ने एक पहल की है, हमने फूलों के द्वारा स्वागत की प्रथा को रोका है ताकि इस सृष्टि का संरक्षण हो सके, इस सृष्टि की रक्षा हो सके, प्रकृति की रक्षा हो सके। तो स्वागत की चिर श्रृंखला को एक और नया आयाम देने के लिए आ रहे हैं अजय कुमार भाई, अपनी सुंदर नृत्य प्रस्तुति के साथ गणेश स्तुति
मैं सादर आमंत्रित करती हूँ अजय भाई को कि बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुति आप हम सबके सामने रखेंगे। एक बार जोरदार तालियों से आपका भी हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अजय भाई का। अभी इस श्रृंखला को शोभित करने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं अपने सुंदर शब्दों के द्वारा अपना स्वागत वक्तव्य लेकर एक सहज और सफल व्यक्तित्व, गंभीरता और रमणीकता का अद्वितीय संगम आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार मोहन सिंघल भाई साहब जी, आप सभी का स्वागत करने के साथ साथ इस सुंदर ज्ञान सरोवर परिसर का भी हम सबको परिचय देंगे। आप लगभग 50 वर्षों से ईश्वरीय ज्ञान में हैं। आप इस सुंदर ज्ञान सरोवर परिसर के एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं, साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारीज का एक प्रभाग है साइंटिस्ट एंड इंजीनियर विंग, आप उसके चेयरपर्सन हैं। आपके निर्देशन में भारत तथा नेपाल में 7 इन्वायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन्स और 9 डिजास्टर मैनेजमेंट कैंपेन्स का सक्सेसफुली आयोजन हुआ। आपने देश विदेश में जाकर आध्यात्मिक संदेश द्वारा अनेकानेक लोगों को लाभान्वित और प्रेरित किया है। समाज के प्रति आपकी बहुमूल्य सेवाओं के योगदान को देखते हुए 1992 में द देन HRD मिनिस्टर श्री अर्जुन सिंह जी ने आपको पर्यावरण श्री के अवार्ड से सम्मानित किया। अंत में दो पंक्तियाँ बोलते हुए मैं आपको विनम्र आमंत्रित करती हूँ आपका स्वागत वक्तव्य के लिए। लगते सामान्य पर खास हैं आप, लगते सामान्य पर खास हैं आप, जीता जागता उल्लास हैं आप,
कोई अंधेरा ना रोक सके जिसे, कोई अंधेरा ना रोक सके जिसे, वही ज्ञान सूर्य परमात्मा का पवित्र प्रकाश है आप, पवित्र प्रकाश है आप। आदरणीय भाई साहब, ओम शांति एंड वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या। वास्तव में आप सबका स्वागत तो जब से आपने इस प्रांगण में प्रवेश किया होगा तब से आप निरंतर महसूस कर ही रहे होंगे, और जब से ये स्टेज कार्यक्रम शुरू हुआ है तब से हमारी मीठी दामिनी बहन ने जो गीत गाया, हमारी जो स्टेज कोऑर्डिनेटर बहन जी हैं सारिका बहन, उन्होंने भी बहुत अच्छा स्वागत किया। और मैं तो इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो मुख्य प्रशासिका हैं, परम आदरणीय दादी जानकी जी जो लगभग 103 वर्ष की हैं और वर्तमान समय अभी लंदन में हैं, इससे कुछ दिन पहले अभी स्पेन में और जर्मनी में थी, और इस प्रकार से उनका टूर इस एज में भी चल रहा है, तो ऐसे एवर यूथ की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं। इस प्रांगण में जब से आपने प्रवेश किया होगा आपने देखा होगा कि यहाँ पर प्रकृति ने तो आपका स्वागत किया ही, लेकिन प्रकृति के साथ साथ जो यहाँ रहने वाले हमारे भाई बहने हैं उन्होंने भी आपके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी होगी, और आगे आने वाले 3 दिनों में भी आप ये अनुभव करेंगे कि आपका स्वागत हर पल, हर व्यक्ति, प्रकृति का हर कण आपके स्वागत में तत्पर है। जैसे ही आपने इसमें प्रवेश किया होगा ये ज्ञान सरोवर परिसर जो कि लगभग 35 एकड़ में फैला हुआ है, ये परिसर अपने आप में एक बहुत ही अनोखा परिसर है, और जिस हॉल में आप बैठे हैं ये हारमनी हॉल है, और इस हॉल की यही विशेषता है कि यहाँ पर देश विदेश के जो भी कार्यक्रम होते हैं वह कार्यक्रम अपने आप में अद्भुत हैं, अनोखे हैं। इस हारमनी हॉल की कैपेसिटी लगभग 1600 की कैपेसिटी का ये हॉल है, और यहाँ लगभग 20 भाषाओं में ट्रांसलेशन की सुविधा उपलब्ध है। बहुत अनेक प्रकार के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम यहाँ पर होते रहते हैं, और सभी कार्यक्रमों का एक ही लक्ष्य रहता है कि कैसे हम हारमनी स्थापन करें। केवल बाहर की हारमनी की बात नहीं, सुसंवादिता की बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी हारमनी है हमारे अंदर की, हमारे दिल, दिमाग और हाथों के हैंड्स हेड एंड हार्ट्स के बीच के हारमनी की, जिसके कि आपको जो भी कार्यक्रम बनाए गए हैं वह सब उसी से ही प्रेरित हैं, वो आप अनुभूति करेंगे। इसके नीचे ही एक मेडिटेशन हॉल है, 300 की कैपेसिटी का है, और यहाँ जो रहने वाले परमानेंट रेजिडेंट हैं करीब 125, वो जो इसको मेंटेन करते हैं वो उनका जो दिनचर्या है वो लगभग सुबह 3:30 बजे से शुरू हो जाती है, और उनका मेडिटेशन का ही ये प्रताप है कि इस पूरे वातावरण के अंदर एक अद्भुत शांति के प्रकंपन सदा फैले रहते हैं। यहीं पर इसी परिसर में आपने एक आर्ट गैलरी भी देखी होगी जो आ गए होंगे पहले, या आगे आने वाले दो तीन दिनों में आप देखेंगे। वो आर्ट गैलरी में भारत की जो बहुत सुप्रसिद्ध प्राचीन संस्कृति है, केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व की अनेक जो संस्कृतियां हैं उनका बहुत ही सुंदर चित्रों के मॉडल्स के द्वारा, लाइट एंड साउंड शो आदि के द्वारा बहुत दिखाया गया है, आप भी उसे अवश्य देखें। इसके अपोजिट एक कम्प्लेक्स है इंटरनेशनल सेंटर फॉर हायर लर्निंग, जिसे हम ट्रेनिंग सेंटर कहते हैं, वो ट्रेनिंग सेंटर के अंदर लगभग 13 हॉल हैं, 100 की कैपेसिटी से लेकर 250 की कैपेसिटी तक के, और उनके अंदर भी पैरेलल प्रोग्राम यहाँ चलते रहते हैं,
हो सकता है संभवतः आपके भी कुछ प्रोग्राम वर्कशॉप आदि वहाँ पर अरेंज किए गए हों, और वहाँ पर एक स्पार्क का हॉल भी है, स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर, उसके अंदर जो वर्तमान परिस्थितियों के मुताबिक एक विज्ञान और आध्यात्मिकता जो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उनका बहुत सुंदर चित्रण उसके अंदर चित्रों के मॉडल के माध्यम के द्वारा दर्शाया गया है। फर्दर आप जब और डाउन जाएंगे तो वहाँ पर हमारा जो डाइनिंग सेंटर है, जहाँ अनेक हॉल हैं, और वहाँ पर डाइनिंग सेंटर में आपने भोजन भी स्वीकार किया होगा, 3 दिन तक वहाँ रहेंगे, और उसका किस हॉल में कहाँ कहाँ क्या क्या प्रबंध है वो सब आपको यहाँ पर बताया जाएगा। और उसे हम स्नेह से शिव बाबा का भंडारा, भोलेनाथ का भंडारा, इस रीति से उसको हम याद करते हैं। फर्दर जैसे डाउन जाएंगे, यहाँ का विशेषता ये है कि इसका लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में काफ़ी लगभग 100 मीटर का अंतर है, और ये नेचुरल स्लोप ही इसे एक बहुत ब्यूटी प्रोवाइड करता है, जिसमें 3 नेचुरल लेक हैं। एक ओवरफ्लो जब करती है तो दूसरे में और पानी आता है, दूसरा ओवरफ्लो करता है तीसरे में, और इस प्रकार से ये एक अपने आप में बहुत ही प्राकृतिक छटा निखेरते बिखेरते हुए ये एक प्रांगण है। फर्दर आप जब उससे डाइनिंग हॉल के बाद जाते हैं नीचे, तो वहाँ पर विष्णुपुरी भी है, हमारा एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, वहाँ डिस्पेंसरी है, और वैसे तो आप सब यूथ हैं, वैसे प्रफुल्लित चेहरे हैं, आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, फिर भी यदि बाई चांस किसी को कोई थकान आदि हो, कोई बात हो, तो वहाँ पर आप मेडिसिन का, जहाँ एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदी सब हैं ऑल अंडर वन रूफ, वो आप उसको ले सकते हैं। एंड लोएस्ट पॉइंट की तरफ वहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वो जो किचन वेस्ट का है, टॉयलेट वेस्ट आदि, वहाँ पर वो रिसाइकिल किया जाता है, और उसके बाद ये पूरा का पूरे कॉम्प्लेक्स को वो रिसाइकिल्ड वाटर जो ग्रीनरी प्रोवाइड करता है। और इस सबसे बड़ी बात तो ये है, रिसाइकिलिंग तो बहुत जगह होती है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ब्यूटी ये है कि थॉट्स की रिसाइकिलिंग होती है, विचारों की रिसाइकिलिंग। अक्सर करके हम न चाहते हुए भी आज जिस वातावरण में जी रहे हैं, हमारे निगेटिव संकल्प पैदा हो जाते हैं, कम्पिटिटिव युग है, एंगर है, ग्रीड है, ईगो, अटैचमेंट, जेलसी, हेट्रेड एट्सेट्रा, और इस कारण से ये निगेटिव जो फीलिंग्स हैं, ये हम लोगों को न चाहते हुए भी थोड़ा इस तरफ ले जाती हैं कि जहाँ पर हम अपने को शक्ति विहीन थोड़ा अनुभव करने लगते हैं। इसलिए यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होते हैं वो सब होलिस्टिक नेचर के होते हैं। होलिस्टिक नेचर का मतलब आपने भी पूरा प्रोग्राम देखा होगा 3 दिन का, मैं भी देख रहा था, बहुत अच्छा उसे डिज़ाइन किया गया है, जिसमें सभी एस्पेक्ट, द फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल, इमोशनल, ऑर्गेनाइजेशनल, सभी एस्पेक्ट को उसमें कवर किया गया है, और इस कारण से मैं ऑर्गेनाइजर्स को मैं इसमें बधाई देना चाहता हूँ कि भाई उन्होंने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है। यहाँ पर एक अल्टरनेट एनर्जी का भी बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है, कन्वेंशनल एनर्जी के साथ साथ सोलर एनर्जी, उससे पानी तो गर्म आपको मिलता ही है, लेकिन आपने देखा होगा कि भोजन भी जो तैयार होता है वो सब सोलर कुकिंग से होता है, बहुत हाइजीनिक भी होता है और बहुत हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है। और उसके अलावा हम कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, अबाउट 50 किलोवाट, और ये पायलट प्रोजेक्ट था यहाँ का, और उससे हमारे यहाँ पर जितना टेलीफोन सिस्टम है, कुछ हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, इमरजेंसी लाइट्स हैं, वो सब उससे हमारे चलते हैं। और इससे उत्साहित होकर हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नीचे शांति वन में लगाया है, और उसमें प्रेजेंटली हम फोटोवोल्टाइक सेल से और सोलर एनर्जी से लगभग 1 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत ही नीट एंड क्लीन एनर्जी, केवल अपने ही कंजम्पशन के लिए नहीं, बल्कि जितनी एक्स्ट्रा होती है वो हम
आबू और माउंट आबू और आबू रोड म्यूनिसिपलिटी को भी दे रहे हैं, और हमारा विश्वास है कि जब हमारा ये फुल कैपेसिटी पर चलेगा 2 मेगावाट पर, तो हम इस में विश्व की एक प्रमुख सत्ता हो जाएंगे जो सोलर एनर्जी से इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस, नीट एंड क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसके लिए हम बाहर की ये एनर्जी की बात है, लेकिन असली बात तो इंटरनल एनर्जी की भी है कि जो यहाँ पर भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो हमारा इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी, सबका बेस है स्पिरिचुअल एनर्जी। इस कारण से यहाँ पर जो भी प्रोग्राम आपका बनाया गया, मैं देख रहा था वो प्रोग्राम में स्पिरिचुअल एनर्जी का, डेवलपमेंट का, मेडिटेशन कैंप का विशेष ध्यान रखा गया है। और इसके साथ ही साथ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की, जैसा आपको बता रहा जा रहा था, राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन है जिसमें करीब 20 विंग हैं, और आज आपका यूथ विंग का प्रोग्राम यही आयोजन किया गया है। इसके अलावा जो हमारी और भी बची हुई विंग है, 19 विंग, उन सब के प्रोग्राम यहाँ अप्रैल से शुरू हो जाते हैं, अप्रैल से लेकर लगभग सितंबर तक ये प्रोग्राम चलते हैं, और अक्टूबर से हमारे ओवरसीज़ ब्रांचेस जो हैं, जो करीब 500 ब्रांचेस हैं 140 देशों में, उनके कार्यक्रम यहाँ पर चलते रहते हैं। और इस प्रकार से अक्टूबर से लेकर नेक्स्ट मार्च तक हमारे सारे ओवरसीज़ प्रोग्राम यहाँ पर चलते रहेंगे। और ये इस एकेडमी की ब्यूटी है कि यहाँ पर एक भी दिन कोई खाली नहीं रहता है। एक प्रोग्राम विंग का ख़त्म हुआ, बीच के जो 2 दिन होते हैं उनमें थोड़ा नीट एंड क्लीन डीनेस का थोड़ा स्कोप रखा गया है, और उसके बाद से फिर वन आफ्टर अनदर कंटिन्यूसली ये प्रोग्राम चलते रहते हैं। मैं आप लोगों को देख करके, मुझे भी अपने यूथ वाले दिन याद आ रहे हैं जब युवा पदयात्रा भी पहले निकली थी 1985 में, और तब से ही यही युवा विंग बहुत ही एक्टिवली इसमें का पार्टिसिपेट कर रही है। मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और आशा करता हूं कि आप सबके चेहरे भी इसी तरह फूल की तरह खिले रहेंगे। बहन जी ने बताया फूल का अब की बार वो नहीं किया गया पर्यावरण के हिसाब से, लेकिन आप सब चैतन्य फूल हैं। और मुझे एक बात बस याद आ रही है जिसके साथ मैं समाप्त करूँगा कि फूल बनकर मुस्कराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कराना जिंदगी है, मुस्करा कर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कराना जिंदगी है। और आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, और इसीलिए जीवन के इस क्षेत्र में पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का। सबका शब्द पुष्पों से स्वागत करने के लिए और ज्ञान सरोवर परिसर का शाब्दिक साक्षात्कार कराने के लिए एक बार पुनः आपका धन्यवाद। अभी स्वागत सत्र का कुछ ही कार्यक्रम शेष है, और वो भी बहुत विशेष है। मैं देख रही हूँ प्रथम पंक्ति में उपलब्धियों से संपन्न महान और विशिष्ट विभूतियाँ बैठी हुई हैं। मैं हर एक का नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि आपकी उपस्थिति, आपके दिव्य प्रकंपन हम सभी को श्रेष्ठ आत्मिक बल प्रदान कर रहे हैं। एक बार आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग के सभी भाई बहनें दिन रात सेवाएं करते हैं और बड़ी सक्षमता से यही गीत गाते हैं। कौन सा? मैं युवा हूँ प्रतिभाशाली हूँ, मैं युवा हूँ प्रतिभाशाली हूँ, तन मन से शक्तिशाली हूँ, जो आसमान पर छा जाए सूरज की मैं वो लाली हूँ, सबके चेहरे पर चमक ला दे मैं वो प्रेरणादायी खुशहाली हूँ, मैं वो प्रेरणादायी खुशहाली हूँ। तो मैं आप सब से भी अनुरोध करूँगी, आप सब युवा बैठे हैं, आज आप युवा प्रोग्राम, युवा प्रभाग के प्रोग्राम में आए हैं, तो अभी आप युवा प्रभाग के ही सदस्य हो गए हैं, तो एक बार 2 पंक्तियाँ मेरे साथ साथ आप बोलेंगे। बोलिए, मैं युवा हूँ, और अच्छी आवाज से, मैं युवा हूँ प्रतिभाशाली हूँ, तन मन से शक्तिशाली हूँ,
जो आसमान पर छा जाए, सूरज की मैं वो लाली हूँ, सबके चेहरे पर चमके जो, मैं वो प्रेरणादायी खुशहाली हूँ। थोड़ा सा मुस्कुरा के, मैं वो प्रेरणादायी खुशहाली हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो युवा प्रभाग के इन सभी भाई बहनों ने न केवल इस गीत को गाया है बल्कि इस गीत को आत्मसात भी किया है और युवा प्रभाग की सेवाओं को गति और प्रगति देकर आज इस उच्च शिखर तक पहुंचाया है। तो युवा प्रभाग की और उसकी सर्व गतिविधियों से हमें अवगत कराने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार विवेक भाई जी। एक बार जोरदार तालियों से हम आपका अभिवादन करते हैं। आप बाल्यकाल से ही ईश्वरीय ज्ञान में हैं और लगभग 24 वर्षों से अहमदाबाद महादेव नगर सेंटर पर समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप युवा प्रभाग के एक एक्टिव कमेटी मेंबर हैं और युवा प्रभाग के पूरे भारतवर्ष में जितने भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं, जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं, आप एज अ ट्रेनर अपनी बहुमूल्य सेवाएं देकर अनेकानेक लोगों को प्रेरित करते हैं। साथ ही साथ आप युवा प्रभाग के स्टेज ड्रामास के डायरेक्टर, राइटर, प्रेजेंटर भी हैं। अभी कल्चरल इवनिंग में, कल आपका कल्चरल इवनिंग है, आपने बहुत सुंदर ड्रामा डायरेक्ट किया है, वो भी हमको देखने को मिलेगा। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगी विवेक भाई को। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थोड़ा प्यार से बोलेंगे, ओम शांति। अब अच्छा लग रहा है, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं युवा काल से ही ऐसी संस्था का सभ्य हूं जिसके लिए मुझे अपने आप में गौरव महसूस होता है। 1936 में स्वयं परमात्मा को संकल्प आया कि मैं भारत में जाऊं और एक ऐसे विजन के साथ सारे युवाओं के माध्यम से पूरे विश्व का परिवर्तन करूं। प्रजापिता ब्रह्मा जो निराकार परमपिता शिव परमात्मा है, इनका आधार लेकर इस संस्था की स्थापना की और शुरू से ही युवाओं को संस्कार का सिंचन किया, शक्तियों का, गुणों का, उसी से श्रृंगारा। एक छोटे से परिवार के साथ शुरू ही ये संस्था आज वटवृक्ष बनकर 142 से भी ज्यादा कंट्रीज में 4,500 सेवा केंद्रों के साथ परमात्मा की इस दिव्य संदेश को जन जन तक पहुंचा रही है। ऐसे गौरवान्वित संस्था के साथ, हाँ, जोर से तालियां बजा लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा गौरव महसूस करता हूं। ये वो संस्था है जो लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है वुमन ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर। ये वो संस्था है जिसके हाईएस्ट हॉलीएस्ट एक इमेज है और जब भी किसी को डिप्रेशन होता है, जब भी किसी के मन अस्त व्यस्त होता है, तब डॉक्टर से लेकर मेंटल हॉस्पिटल वाले तक एक ही कहते हैं, अब ब्रह्मा कुमार इसके पास चले जाओ। तो मेरे भाई और बहनों, ऐसी संस्था के साथ जुड़ना ये मेरे लिए सौभाग्य रहा और सिर्फ सौभाग्य नहीं, एक गौरव भी अनुभव करता हूँ कि मैं मेरी विशेषता को जो परमात्मा ने मुझ में भरी है, शक्तियों को, गुणों को, इस भारत को फिर से 21वीं सदी का प्रकाश स्तंभ बनाने के लिए सफल कर रहा हूँ। ये वो भारत देश है जो आज सभी की नजर हमारे ऊपर है। सब चाहते हैं, सब देख रहे हैं, सब महसूस कर रहे हैं कि 65-75% युवाओं का देश, और आज हम कुछ सालों से ये भी देख रहे हैं कि विश्व के
एक शिखर पर हमारी इमेज बनती जा रही है, और वो सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए जो विश्वास क्रिएट हो रहा है, आपके अंदर रही हुई ताकत उसके ऊपर कि कोई विजन देख रहा है, इसी के बदौलत। इसलिए मुझे इस संस्था के साथ वो गौरव का अनुभव होता है, एक सौभाग्य का अनुभव होता है। युवा प्रभाग 1985 में जो परमात्मा के द्वारा शक्तियों को बाहर निकालने का कार्य करने के साथ जो इस संस्था की शुरुआत हुई थी, उस मेडिटेशन को, उस राजयोग मेडिटेशन को युवाओं तक पहुंचे उसके लिए इस संस्था का निर्माण किया गया 1985 में। क्योंकि हम सभी जानते हैं भारत देश एक ऐसा देश है, एक ऐसी धरोहर है जहां हमारी संस्कृति एक श्रेष्ठतम है, मूल्य बेस्ड है। हमारे यहाँ मूल्यों की पूजा होती है, शक्तियों की पूजा होती है। ये एकमात्र देश है जहां कहा जाता है वंदे मातरम, भारत माता की जय। इस संस्था के साथ हम जब जुड़े तो यही लक्ष्य है कि हमारे युवाओं के पास हम पहुंचे, हमारे युवाओं के अंदर रही हुई वो ताकत, वो गुणों को हम बाहर निकाले और एक ऐसे श्रेष्ठतम स्वर्णिम भारत का निर्माण करने के लिए आप सभी भी तन मन धन से इस सेवा कार्य में लग जाए। इसलिए इसका हमेशा इस यूथ विंग का एक टारगेट रहा है, यूथ फॉर पीस एंड क्रिएटिविटी। पीस के साथ साथ क्रिएटिविटी भी, क्योंकि हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी है वो देश का निर्माण करेगी, एक समाज का निर्माण करेगी। हमारे अंदर जो तन की ताकत है, हमारे अंदर जो मन की ताकत है, हमारे अंदर जो बुद्धि की रचनात्मकता है, वो देश के निर्माण के लिए, उस देश के नव निर्माण के लिए कार्य करेगी। तो इसी के साथ ये युवा प्रभाग शुरू हुआ, और आप देखेंगे तब से लेकर हर वर्ष, चाहे सोशल एक्टिविटीज हो, चाहे नेशनल इंटीग्रिटी के तौर पर हो, चाहे स्वच्छता सकारात्मकता को लेकर हो, हर दम हर पल यही संकल्प के साथ युवा प्रभाग रात दिन मेहनत करता रहा है। सोशल एक्टिविटीज में आप देखेंगे तो 1985 से लेकर आज तक कई ऐसे अभियान निकाले गए। मैं ज्यादातर समय नहीं ले रहा हूँ, बहुत बड़ी लिस्ट है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना कि ऐसी संस्था के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, उसका इतिहास एक स्वर्णिम पत्तों के साथ साथ इतना बड़ा है, उसको पढ़ने के लिए दिन रात भी मैं कर दूँ तो कितने साल लग जाएंगे। इसलिए संक्षिप्त में मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि हर बार सोशल एक्टिविटीज, हर साल एक नया उमंग के साथ, एक नया प्रोजेक्ट के साथ ये युवा प्रभाग युवाओं तक पहुँचा है। आप देखेंगे ये सारी हर साल की बातें हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे एजुकेशनल एक्टिविटीज में भी हर कदम हर थॉट के साथ आगे बढ़ा है। आप देखेंगे 89 से लेकर आज तक अलग अलग प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया, अलग अलग अभियान निकाले गए। उसके बाद एक 2007 में एजुकेशन फील्ड के साथ जुड़े हुए बच्चों को, जो छात्र है 6, 7, 8 के कक्षा के छात्रों के लिए एक टच द लाइट प्रोजेक्ट किया गया। आज पूरे भारत में 4,500 से भी ज़्यादा स्कूलों में ये प्रोजेक्ट चल रहा है, और इसके बहुत सारे इफेक्ट आए हैं। हम मैं पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि टाइम हो गया है। बच्चों के जीवन में भी बहुत परिवर्तन आया, इसके प्रतिभा हुए। ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, पेरेंट्स हैं, या जो भी अधिकारी गण है, इसको बहुत ही हमेशा मोटिवेट करते रहे, और आज समझ सकते हो 2007 से लेकर आज 2019 हो गए, 12 साल लगातार इस तरह से सेवा में जुड़ना ये कम बात नहीं है। इसके लिए 10,000 से भी ज़्यादा फैकल्टी इसके पीछे लगी हुई है जो रात दिन मेहनत करती है। उसके बाद उसके साथ ही साथ युवाओं में सशक्तिकरण हो, इसलिए एक युवा मंच का स्थापना हुआ। उस समय 7 राज्यों में इसकी शुरुआत हुई थी, आज भी कई जगह पर इसके प्रोजेक्ट के रूप में चल रहा है। कॉरपोरेट सेक्टर के लेवल पर या फिर एनजीओस लेवल के लेवल पर एक क्षितिज नाम का भी एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत, जो आप देख सकेंगे इसके 5 लेवल है। उस लेवल पर हम जाते हुए
युवाओं को अपने अंदर रही हुई डिविनिटी को बाहर लाना चाहते हैं। फिर एक इग्नाइट द यूथ फॉर ग्लोरियस इंडिया, ये भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2012 में, आज 7 साल हो गए हैं, ये प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छी तरह से पूरे इंडिया में चल रहा है। फिर स्वच्छ स्वस्थ स्वर्णिम भारत 2003 से लेकर आज तक अलग अलग जगह पर जैसे जैसे आवश्यकता, जैसे जैसे इस बात की प्रोजेक्ट होते हैं तो हर राज्य में हर गांव में इस तरह के अभियान निकाले जाते हैं। और 2017 में यूथ विंग का बहुत बड़ा नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, वो था मेरा भारत स्वर्णिम भारत। एक एग्जीबिशन बस निकाली जो अहमदाबाद से शुरू हुई और पूरे भारत वर्ष की परिक्रमणा करते करते अभी आज दिल्ली में जाएगी, तो उसका भी मैं आपको एक 2 साल का रिपोर्ट दूंगा। अभी हरियाणा में लास्ट दिन है और कल दिल्ली में एंटर करेंगी और दिल्ली के आसपास के जो भी शहर हैं, सिटीज हैं, गांव हैं, वहां पर सेवा करेगी। 700 से भी ज़्यादा भाई बहनें रात दिन मेहनत करते हुए इस अभियान को चला रहे हैं, लाखों भाई बहनों ने इसका फ़ायदा लिया है। और इसके बाद कई एक्टिविटीज़ हैं, जैसे पॉजिटिव चेंज कोर्स है, सेल्फ डिस्कवरी है, हैव कैफे हैं, ऐसी कई एक्टिविटीज़ हैं जो सेंटर लेवल पर, सब जोन लेवल पर, जोन लेवल पर, नेशनल लेवल पर चलती रहती हैं। इस तरह से इस आप देखेंगे कि युवा प्रभाग हर साल भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए कि 21वीं सदी का भारत, ये हमारा स्वर्णिम भारत होगा और सभी युवाओं के तन मन धन से ही इस बात को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल युवा डे हो या नेशनल युवा डे हो, उसमें भी हमेशा पूरे भारतवर्ष में ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस साल हमने 20 से भी ज़्यादा जगह पर ये डिज़ाइन योर डेस्टिनी नाम का टॉक शो और फोकस डिस्कशन आरंभ किया था, उसका भी बहुत अच्छी रिजल्ट मिली। फिर यूथ फेस्टिवल हर जगह पर चल रहे, जिसकी शुरुआत आज यहाँ हो रही है, और इसके अलावा भी कई जगह पर स्टेट लेवल पर, स्थानिक लेवल पर इसका आरंभ होगा। अभी हम आपको एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि जो अभियान चला 2 साल का, उसका रिपोर्ट क्या है। नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे युवाओं की, जिनकी क्षमता और काबिलियत पर दुनिया के हर एक शख्स की उम्मीदें जुड़ी हैं। लोग युवाओं की शक्ति में विश्वास करते हैं। विश्व सामाजिक विकास काफी हद तक युवा शक्ति पर निर्भर करता है। किसी देश का भविष्य यदि कोई उज्जवल बना सकता है तो वो युवा ही है। आज भले ही युवा फैशन परस्ती और नशे के आदी हो रहे हैं, परंतु आज कुछ ऐसे युवाओं से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने युवा जगत में एक मिसाल पेश की है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। देश व समाज के विकास की भूमिका में युवाओं की उपयोगिता इस बात से साबित होती है कि सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र ने 12 अगस्त यानी आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया। आज के युग में भी ऐसे युवा हैं जिन्होंने समाज के सकारात्मक बदलाव में दिन रात एक कर दिखाया है। हम बात कर रहे हैं ब्रह्म कुमारी संस्थान के युवा प्रभाग की, जिसने 13 अगस्त 2017 में अहमदाबाद से स्वर्णिम भारत निर्माण के लिए बस अभियान का शुभारंभ किया। तकरीबन 3 वर्ष में देश के कई प्रदेशों से होते हुए हजारों कार्यक्रमों के जरिए लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में सुख शांति का संचार करने का संकल्प लिया है। कि ब्रह्म कुमारी की जो यूथ विंग है वो एक बहुत ही सुंदर बस एग्जीबिशन बस निकाली है और इस बस के जरिए वो ना सिर्फ हमारे यूथ में, ना सिर्फ हमारे युवाओं में, बल्कि पूरे समाज में स्वच्छता और पॉजिटिविटी के बारे में एक बहुत ही सुंदर मैसेज देने निकले हैं और मैं जानता हूँ कि वो बहुत सफल होंगे जैसे कि वो हमेशा रहे हैं। आज से 2 साल पहले की बात करें तो युवा प्रभाग ने भारत को पुनः स्वर्णिम बनाने के लिए मेरा भारत स्वर्णिम भारत प्रदर्शनी बस यात्रा नामक एक महत्वाकांक्षी अभियान समूचे भारत वर्ष में आयोजित किया, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी की यादगार भूमि अहमदाबाद से
13 अगस्त 2017 को भव्य रूप से की गई। 2017 से 2020 तक सुचारू रूप से निरंतर इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न शहरों एवं कस्बों में प्रदर्शनी बस के द्वारा समाज हित एवं युवाओं को उनकी सही राह दिखाने के लिए कार्यक्रम किए गए और आगे भी जारी हैं। आज इस अभियान को 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और आंकड़ों की बात करें तो अहमदाबाद से शुरू हुए इस अभियान के चलते अब तक 24 राज्यों एवं 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 5,776 से ज्यादा कार्यक्रम किए जा चुके हैं। जब यह अभियान प्रारंभ हुआ तो यकीन न था कि इन 24 राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, जम्मू, उत्तरांचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों में दीव, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, चंडीगढ़ प्रदेशों में हजारों किलोमीटर की यात्रा कर लाखों लोगों की जिंदगी में मानवीय मूल्यों का संचार करेगा। इस अभियान के जरिए युवाओं द्वारा अभी तक लगभग 866 स्कूलों, 1,052 कॉलेजों, 390 युवा संस्थानों में अभियान द्वारा कार्यशाला, समूह चर्चा समेत अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें मुख्यतः सोशल क्लब, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल, स्पोर्ट्स क्लब, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र आदि शामिल रहे। इनमें खास महिला सम्मान एवं सशक्तिकरण के लिए मार्गदर्शन तथा व्यसन मुक्त स्वस्थ समाज, राष्ट्रीय एकता, शिक्षा द्वारा समाज उत्थान, राजयोग द्वारा तनाव मुक्त जीवन आदि विषयों पर मौलिक मार्गदर्शन के लिए 429 सार्वजनिक कार्यक्रम, 1,078 प्रदर्शनियां एवं सार्वजनिक स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। हमारे स्कूल में आके हमें नॉलेज दिया कि हम कैसे फिजिकली और मेंटली फिट रह सकते हैं। उन्होंने ये भी सिखाया कि सारे बुरे व्यसनों से दूर रहना चाहिए और स्वच्छ भारत की ओर हमें अप्रोच करना चाहिए और इसी से हमारा भारत अच्छा स्वच्छ बनेगा। आज जैसा आप लोगों ने बोला कि मेडिटेशन से और हमें बहुत सारे ट्रिक्स सिखाई कि सुबह उठ के मेडिटेशन करना चाहिए, उससे हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा, साथ में इंडिया का भी फ्यूचर अच्छा होगा और इंडिया को हमको स्वच्छ रखना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी बोला है कि अपने इंडिया को अच्छा रखना चाहिए ताकि बहुत पूरा वर्ल्ड भी देख सके कि इंडिया कितना अच्छा और सुंदर। अभियान के यात्रियों का कारवा केवल यहीं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि फैक्ट्री, कॉरपोरेट सेक्टर, बैंक, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आर्म्स फोर्सेस, पुलिस, सीआरपीएफ, जेल, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, महिला सुधार गृह, बाल सुधार गृह, विभिन्न व्यवसायिक संगठनों में भी कुल 742 कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। प्रदर्शनी बस यात्रा के दरमियान भारत भर के 77 कारागृह में भी कार्यक्रम रखे गए, जिसमें 15,000 से भी अधिक कैदियों ने सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प लिया। यह अभियान अपनी सफलता की सीढ़ियां 735 बाल ब्रह्मचारी युवाओं की बदौलत चढ़ सका, जिन्होंने दिन रात एक कर 2 सालों में अभियान में खून पसीने एक कर दिए। यही नहीं, बस यात्रा के दौरान उन युवाओं की भी नर्सरी तैयार की गई जो ऐसे अभियानों का प्रतिनिधित्व कर सके। करीब 25 स्थानों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में 2,500 से भी अधिक ब्रह्माकुमारी से जुड़े युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। इसमें जो भाई बहने हैं वो नौकरी भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपने परिवार को सपोर्ट भी कर रहे हैं और साथ साथ उसमें से समय निकाल करके इस भारत देश की सेवा के लिए निकले हुए हैं और जिसके बदले में उन्हों को कोई अपेक्षा नहीं है और ही अपना तन मन धन देश की सेवा में लगा रहे हैं। इसी कड़ी में संस्था के 693 सेवा केंद्रों के कुल 5,776 कार्यक्रम भी शामिल हैं, जिनमें 8,32,003 युवा एवं 1,75,684 अन्य महिला पुरुषों को मिलाकर कुल 1,07,687 लोगों की जिंदगी संवारने का प्रयास किया गया। अभियान की सार्थकता तब और बढ़ गई जब खुद चेन्नई में
मुख्यमंत्री ने बस का अवलोकन किया। वहीं आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना तथा ओडिशा के राज्यपाल ने राजभवन में अभियान की सराहना की। इसका संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए मीडिया कर्मियों का अहम योगदान रहा। विभिन्न चैनलों, अखबारों तथा सोशल मीडिया के प्रतिनिधियों के लिए 200 से भी अधिक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर करोड़ों लोगों तक इस लोक कल्याणकारी संदेश को पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाई। यह अभियान लाखों लोगों के आशीष और युवाओं के अदम्य साहस से निश्चित तौर पर एक नए भारत का निर्माण कर बेहतर समाज की स्थापना में सफलता प्राप्त करेगा। अभियान की दूसरी वर्षगांठ पर बधाई एवं आगामी वर्ष के लिए शुभकामनाएं। इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। अब दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विवेक भाई का। आपने युवा प्रभाग की विराट गतिविधियों से हमें बहुत ही संक्षिप्त समय में परिचित कराया। अंत में मैं इस स्वागत सत्र के में धन्यवाद करना चाहूँगी परमपिता परमात्मा, सम्मानित मंच और आप सभी युवा भाई बहनों का। अभी यहीं से उद्घाटन सत्र शुरू होने जा रहा है, तो उद्घाटन सत्र को शुरू करने के लिए मैं मंच सौंपती हूँ आदरणीय जीतू भाई को।